सर बिल्कुल बोलना है। हाँ अब मुझे समझ में आ गया था, बोलना है। डेबिट वेबिट से हमें कोई लेना देना नहीं है, इस टाइम पे हम आपके फैन है, बहुत बड़े और हम बहुत खुश हैं। इधर आओ अंदर जी, जल्दी अंदर अंदर आ, अंदर आ। बोले पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है बिल्कुल, आप भी नहीं देना देना। क्यों? सब कोई मनगढ़ंत कहानी बनाते हैं, कोई कहता है मैं ये करूंगा, कोई वो करूंगा। क्या नाम हो गया? करे ना कुछ रियाज। रियाज भाई ये काम करो, गले मिलो जल्दी। तुम सबसे अच्छा आदमी, रुको रुको, तुमसे पूछ चुका जी। ना तो कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड जी। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे हमने एयरपोर्ट बनाए, पोर्ट बनाए, बड़े बड़े आईएम बनाए। मैं आपको बताता हूँ वास्तविकता क्या है। जितने ये एयरपोर्ट और पोर्ट बना रहे हैं, जो हमने भी बनाए थे, वो अपने मित्रों को दिए जा रहे हैं आज की डेट में, बना रहे हैं। लेकिन जो भी हमने भी बनाए, जो इन्होंने बनाए, वो बाय हुक और बाय क्रूक ये अपने दोस्तों को दिए जा रहे हैं, जहां पे ड्रग्स भी पकड़े जा रहे हैं आप देखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने नोटबंदी करी देश में, उसके बोल ले तो यार, इन्होंने नोटबंदी करी और एमएसएमई जो पूरा एमएसएमई है उसकी कमर तोड़ने का काम किया इन्होंने। गलत तरह से जीएसटी लागू किया, अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ने का। अरे आज का तुमने वो नहीं बताया यार, वो आज का 8 पॉइंट क्या हुआ, ग्रोथ रेट नहीं बताया यार। सुन लीजिए, 14.5 लाख करोड़ ये अपने उद्योगपति मित्रों के माफ कर देते हैं, लेकिन किसान की छाती पे ये गोली चलाते हैं। उसके बाद इन्होंने जब एम्स बनाए हैं, तो आज भी देश के सारे लोग, ज्यादातर लोग मैं कहूंगा प्रदीप जी, एम्स दिल्ली में आते हैं, ये वास्तविकता है, ये किसी छुपी भी बात नहीं। देखिए ये जो एम्स में दिल्ली में आते हैं, इसको लेकर सबको चिंता है कि वो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए। मैं आ गया अमित, अमित एक मिनट एक मिनट, वो बड़ी पार्टी है ना, उसको एक नहीं 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 पहले वो कंप्लीट करेंगे उसके बाद। और अभी कुछ ही दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम जो ये लेकर आए थे, उससे मनी लॉन्ड्रिंग हो रही थी और उससे ये विधायकों की खरीद फरोख करते हैं, इस बात पे ये क्या माफी मांगेंगे? मनी लॉन्ड्रिंग शब्द नहीं इस्तेमाल किया उन्होंने, कहा कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो इफेक्टेड। देखो वो वकील है, वो जो वकील है बाबू, बाबू ये वकील है, वकील है, लेकिन लेकिन उसको इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी बोला था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तय किया है। हाँ, ये मान लिया वो ट्रांसपेरेंसी। अरे मैंने, अरे अब, अरे अब लग भाई, आप क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं, ना मैंने सीधा सा सवाल किया था कि 10 साल आपका चरित्र बता रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपसे सीधा सवाल मैंने किया था 10 साल किस बात की, किस बात की माफी, ये माफी मांगे कि ट्रांसपेरेंसी वाले मामले पे ना, कि जो ये बॉन्ड लाए थे, आप इस बात पे माफी मांगेंगे कि आपने कहा था कि क्या राम हुए थे या नहीं हुए थे? आप मांगेंगे बाबू? मांग नहीं तो ठीक है फिर, नहीं ठीक है, ऑफकोर्स यू विल गेट चांस। चलिए आइए, ये आपका खाना रहा। मैंने सीधा सवाल किया था, 10 साल इसके पहले आपकी सरकार थी और 10 साल हमारे होने जा रहे हैं। हमने एम्स गिनाए, हमने नए विश्वविद्यालय गिनाए, हमने मेडिकल कॉलेज गिनाए, आपने सिर्फ आरोप लगाए हैं, आपकी नकारात्मकता इससे झलकती है। और दूसरी बात, मान लीजिए, मान लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय मैं गलत कर रहा हूं, आप किस लिए हैं? अदालत क्यों नहीं जाते? सदन में क्यों नहीं बोलते? इसीलिए, इसीलिए बाबा तुलसी ने कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पाव। कहा गए? अरे आया जैसे, नो 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 नो, आम आदमी पार्टी, आम सर, सर बिल्कुल सर यहाँ आइए आप जी, बिल्कुल बिल्कुल चांस है। अमित, अमित देने का जी। सर देखिए किस तरह से गलत तथ्य पेश किया गया, इसी कारण से अभी 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है कि हमसे गलती से गलत तथ्य पेश किया गया। ये कह रहे हैं 51,000 स्कूलों को बंद कर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी 51,000 स्कूल है आप ये बता दीजिए? केंद्रीय विद्यालय नए बने हैं, स्कूल बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कहती है मित्रों को दे दिया, अडानी के पहले वो किसके पास ठेका था? जीएमआर के पास, विदेश की कंपनी से लेकर भारत की कंपनी को दिया गया, इनको तकलीफ हो गई जीएमआर से। नहीं, आपको ये कहना चाहिए कि क्या देने में क्या नियमों की उल्लंघन हुआ? हुआ तो फिर गलत है, और अगर नहीं हुआ, नियमता है, तब तो ठीक है भाई। सर 10 बरस तक आज तक का ये आरोप नहीं लगा पाए, और विदेश से मैं बार बार पूछता हूँ, इतना विदेश से इनको प्रेम क्यों है? जाना आपको घूमने के लिए विदेश, कंपनी चाहिए विदेश, कपड़ा विदेशी पहनेंगे, अरे ये सोच है क्या भारत में राजनीति कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अरे तुम डिबेट में तुम सबसे छोटे हो और तुम्हारा अधिकार बनता है, तुम मांग सकते हो किसी से, तुम डिबेट में, सुनो, तुम डिबेट में सबसे छोटे हो और सारे लोग अपना टाइम तुम्हें दे देंगे, तो इसलिए ये मत सोचना कि यहाँ पे कोई बड़े दिल का नहीं, सारे बड़े दिल के लोग हैं।
शाबाश, बोलो क्या बात करना सवाल, लेकिन आम आदमी पार्टी का टाइम था, बिल्कुल वेरी क्विक, बिल्कुल 5 सेकंड में बोलूंगा। भाई ने अभी फॉरेन की बात करी, विदेश 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 विदेश, सबसे ज्यादा अगर विदेश निवेश के खिलाफ थे, एफडीआई इन रिटेल के खिलाफ थी भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद क्यों एफडीआई इन रिटेल को 100% किया गया और आज की तारीख में एफडीआई भी गिर रहा है, लोगों बाहर की जो कंपनियां हैं, बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं, वो देश में इन्वेस्ट करना कम कर चुके हैं, बताइए आप, बताइए ना एफडीआई क्यों कम हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, गलत गलत आंसर, जी टैक्स कलेक्शन बढ़ता जा रहा है, पूरे देश का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, जीएसटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या है? व्यापार तरक्की कर रहा है, और अगर व्यापार तरक्की कर रहा है तो लोगों की सकल इनकम बढ़ रही है। गुप्ता जी, किसानों किसानों के बारे में जरा बात करेंगे। हाँ जी, देखिए पहले तो मैं अपने मित्र का जवाब दे दूं, यूडीआईएससी की रिपोर्ट है जिसमें क्या हुआ भाई जी, क्या हुआ भाई जी, बेरोजगारी इतनी है, युवा इनसे पूछो, युवा आप नाराज ना हुआ करो, अपना सवाल क्या करो, वहाँ बेरोजगारी बेरोजगारी ठीक सर। देखिए मैंने रिपोर्ट के हवाले से बताया कि 51,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए हैं और ये सच्चाई है। प्रतीक जी, देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा था मीडिया के सामने, जनता के सामने, कि डॉलर अगर गिर रहा है, रुपया गिर रहा है, तो देश की साख गिर रही है। मैं आज जानना चाहता हूँ कहाँ डॉलर पहुंच गया, कहाँ रुपया चला गया है। आईएमएफ की रिपोर्ट है 2 लाख करोड़ से ज्यादा का लोन इस सरकार ने लिया है, 4 टाइम ज्यादा, देश पे कर्जा बढ़ाया है, देश में बेरोजगारी बढ़ाई है, देश में भ्रष्टाचार बढ़ाया है, इसलिए 2024 में इनकी विदाई तय है। बहुत मैं आ गया गुप्ता जी, आराम से, क्या हुआ भैया, आराम से आराम सर, लोन आया है तो जीडीपी 8.3% है। और सबसे फास्ट एक सवाल मेरा, बहुत आप सर आपसे एक प्यार वाली बात है, सब प्यार वाली बात जी, हाँ तो जरूर बोलो बेटा, एक चीज, सबसे पहले तो आपने हम लोग को बहुत इंटरटेनमेंट किया है, और आज से नहीं, मैं आपको बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ, मैं तो इंटरटेनमेंट वाला आदमी हूँ, न्यूज वाला कहाँ हूँ। एक चीज बताइए, आपका जो स्ट्रेंथ है, मेरे को एक इसका जवाब दीजिएगा सर आपसे, आपका जो स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ हम लोग को कैसे मिलेगा, हमें वो प्रेरणा आप दीजिए जो हम लोग को आपका स्ट्रेंथ मिलना चाहिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो आपने जो काम करते हैं ना, वो काम हम लोग सीखेंगे तो वो कैसे होगा, ये के लिए आप करते क्या, आप तो स्टॉक में है ना, स्टॉक मार्केट, देखिए जहां काम कर रहे हैं वहां मन लगा के काम करिए, इंटरेस्ट अपने आप आएगा, दूसरों के कामकाज में दखलंदाजी मत करिए, स्ट्रेंथ आएगा। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस काम को करिए उसमें ईश्वर को देखिए, मजा आएगा। और चौथी बात ये कि ईमानदारी से करिए और मजा आएगा। पांचवी बात ये कि नशे से दूर रहिए, आई लव यू टू, वैसे तो मैं लोगों से आई लव यू कहता हूं, वो कहते हैं आई लव यू टू, लेकिन मैं आई लव यू, नशे से दूर रहेंगे अगर, एक से दो फ्री बेकार वाला बात, नशे से दूर अपने आप स्ट्रेंथ आएगी। जी राकेश जी, साख की, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता साख की बात कर रहे हैं, ये भी शिक्षा की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ये समझना चाहिए, साख कैसे, आपके 3 नेता, एक शिक्षा मंत्री जेल में है शराब घोटाले में, एक जेल मंत्री जमानत नहीं हो रही है, 2 साल से जेल में है, आपके सोनिया गांधी, राहुल गांधी हेराल्ड घोटाले में जमानत पर है। अरे आप लोग साख की बात करते, कैसी साख, जेल से साख बनाएंगे क्या? देखिए साख की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ये पर्चा इनके लीक लगातार हो रहे हैं, युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है, ये लोग उसको तो करवा नहीं पा रहे।